कल आपने देखा। टेलीविजन की सास अपरा मेहता और टेलीविजन एक्टर सुदेश बेरी की पत्नी सरिता बेरी में हुआ माँ एक्सचेंज, जिसमें आपने देखा कि हमारी टेलीविजन की रानी अपरा जी ने जानी एक अचंभित करने वाली बात, जिसकी वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जितनी मुंह उतनी बातें दुनिया में चलते रहती हैं, उसमें क्या रूमर तो रूमर ही है। Whatever I've heard about you, finish it off and come back home. साथ ही आपने देखा जिसके सामने कभी किसी की ना चली हो उन्हें सहनी पड़ी देवरानी की दो टुक बातें। आप क्या करो मालूम है, तो आप खाने की प्लेट डालो और देते जाओ। ये जो दोनों बैग्स हैं, यू कैन जस्ट ऐसे ही पुट इट इनसाइड कि नीटनेस थोड़ा लगे। खैर समय तो उनका था, फिर तख्ता पलटा और टेलीविजन की सास ने दिखाया अपना असली रूप। ब्रेकफास्ट ना आप आपके घर में कर लो ना, तो उस वक्त किचन में कंफ्यूजन कम हो। इस वक्त सूरज तुम्हारा आधा दिन सोने में जाता है और बाकी का आधा दिन हुक्का पीने में जाता है। प्लीज वो तो नहीं होगा घर में, नेक्स्ट 3 डेज तो नहीं होगा। सुदेश आई वॉन्ट यू टू गेट आउट। अब आगे। सुदेश I want you to get out. Of the bubble of I, me, myself. आप कभी कभी अपने आप को सुदेश बेरी या लोहा सिंह करके बात करते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप बात मत कीजिए। मैंने सबके पास से सरिता के बारे में सुना है, आपके पास से कुछ नहीं सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सरिता के साथ बॉन्ड करो मेंटली। मैं जिसकी जगह पर आई हूं उसकी मैंने एक तस्वीर भी नहीं देखी है। आप आपका सरिता का सूरज का आपका एक कोलाज बनाओगे फोटोग्राफ्स का। उनको पता नहीं वो तो पता करेंगे। द बेस्ट टास्क। ये 3.5 दिन तो आप लोग फॉलो करोगे ही, अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारे बीच। ये मेरे रूल्स हैं और आज से 3 दिन तक घर के सारे सदस्यों को मेरे ये रूल्स फॉलो करने ही हैं। अपरा जी ने ये नए नियम अब दीवार पर चिपका दिए हैं, ताकि घर के सभी सदस्यों को उनकी हद पता रहे और भूल से भी नियमों को तोड़ने की गलती ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये नियम ही इनके बीच की दीवार बन जाएं। जो पानी जमा करना, जो पानी जो थे लिख लो। बस यही टाइम होता है जो 10-15 मिनट जो पेरेंट्स के साथ भी गुजारना है और सुबह फादर को भी देखना है, तो आई जस्ट वांट टू हैव ब्रेकफास्ट वहाँ सामने बैठ के कर लिया, सो दैट दे आल्सो फील गुड। दिस इज माय हाउस, सो आई एम हैविंग इट हियर एंड नोबडी कैन टेल मी कि वहाँ जाके खाओ यहाँ जाके खाओ। अपरा जी के बनाए हुए नए नियम सुनील को बंदूक की गोली की तरह लगे। अब देखना ये है कि बड़े भैया सुदेश जी क्या कहना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस घर में आए तो मैंने आप पे रूल्स नहीं थोपे। आपने थोपे नहीं, आपकी पत्नी जो करती है और उसके हिसाब से जो रूल बुक बनी थी, कि आपको कहीं लगा हो कि नहीं मैंने वो नहीं किया है तो आप मुझे बताओ। आई एग्री, मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं चलता ठीक है, लेकिन जो हमारे घर के अंदर है प्रथा वो हम लोग ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। एक इंसान किचन से हॉल, हॉल से किचन, कहीं भी जहाँ जाए कुछ पड़ा है, आप लोग वहां से निकल जाते हो चल जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी प्लेट पड़ी हो तो ले जाएगी ना कोई। अगर अगर आपने खाना खाया उसके बाद आप हाथ धोने तो कहीं जाओगे, तो जाते जाते हम चम्मच से खाना खाते हैं, हाथ भी नहीं धोते। ये तो अभी आपका जिद नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चम्मच से खाता हूँ खाना। आप रोटी चम्मच से खाते हो? रोटी से हाथ गंदा थोड़ी होता है, दाल तो चम्मच से उठाता हूँ। मैं 100 बातों की एक बात आपको बोलना चाहता हूँ अपरा जी, आपने रूल्स को रखा एज ए हाउस वाइफ, आप एक हाउस वाइफ नहीं है, आपने खुद एक्सेप्ट किया है। यू आर नॉट अ हाउस वाइफ, यू आर अ वर्किंग वुमन एंड यू आर नॉट अ सरिता बेरी।
यू कैन नॉट बी ऑन सरिता बेरी साइड एंड यू कैन नॉट स्क्रैच मी लाइक दैट एंड से कि सुरेश बेरी तू ऐसा कर तो ऐसा कर. नहीं, आप तो मेरी तरफ होना चाहिए क्योंकि आप वर्किंग वुमन है. आपने लेकिन मैं वुमन हूं ना. अरे वुमन है तो क्या हो गया? मैं वर्किंग हूं तो क्या हो गया? अगर आप हेलमेट पहन के तलवार लेके मेरे साथ जंग लड़ रही है. आपने तो सरिता की जिंदगी नहीं जी है ना. मैंने वो जी नहीं जी. मैं कह सकती हूं आपने सरिता की जिंदगी नहीं जी है. व्हाट आर यू सेइंग? आई एम टेलिंग यू नेवर बी सरिता बेरी. आप सरिता बेरी को समझ ही नहीं पाएंगे. मैं 100 जन्म ले लें सरिता बेरी, शी इज अ देवी. अरे ये क्या लोहा सिंह, नए नियमों का दबाव आप पर साफ दिखाई दे रहा है. वरना सरिता जी आपको कब से देवी नजर आने लगी. लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें तो याद आएगा आपने कुछ समय पहले ही सरिता जी की नस्ल की पहचान अपरा जी को करा दी थी. उनके बारे में आपने सुना सरिता के बारे में? वो सरिता है, नस्ल ही अलग है. टीवी मेरी बीवी है, सिनेमा मेरी रखेल है. अपनी मेटाबॉलिज्म मेरी मेटाबॉलिज्म में फर्क है. एडजस्टमेंट का नाम जिंदगी है. I have earned my more brownie points. सरिता, अगर आप ये सुन रही हैं, जब भी आप सुनेंगी तो शायद आप बहुत प्राउड फील करेंगी. तो आपके सामने वो कहेंगे या नहीं? मैं सरिता के एहसान नहीं चुका पाऊंगा. मैं खुद कहता हूँ मैम सरिता के. आप जब ये देखेंगी, आप मुझे पता नहीं है कि आपके सामने कभी उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं, लेकिन ये जो मैं वुडपैकर उड़ेद रही थी ना, वो यही सारी की सारी बातें बाहर निकालने के लिए कर रही थी. आई एम श्योर कभी ये आपका जो उनके लिए मान सम्मान और प्यार है वो ऐसे बैठकर उनको बताया नहीं होगा. ठीक है. अब तक तो नए नियम सिर्फ सुनील और सुदेश जी को नागवारा लग रहे थे, लेकिन इनकी माँ भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं। कहीं मम्मी जी को परेशानी इस बात की तो नहीं है कि इस घर की नौकरानी शोभा की बराबरी अपरा जी ने उनकी बहू से कर दी? हाँ अपरा, एक मिनट इधर आना बेटा. मैं तेरे को एक बात बताती हूँ. पता नहीं अभी तेरे को बुरा लगे, लेकिन मुझे बुरा लगा. बुरा नहीं, मुझे बुरी जो बात लगी है मैं तेरे को जरूर जरूर. बाकी इसमें क्योंकि कल तो मेरे से नाराज भी ना हुई. अभी आपने ये शोभा के बारे में आफ्टर आंटी जी एंड सरिता, यू आर द ओनली वन हु हैज केप्ट दिस हाउस रनिंग मतलब डे टू डे. हाँ डे टू डे, डे टू डे. आप इससे पहले तो इसको कांटा मारिए. मैं अभी इसको कांटा मार रही हूँ. क्यों? मैं क्यों क्यों सब बताऊंगी आपको. ये देखो ये कांटा अपरा, इसको मैंने कांटा क्यों मारा कि सबसे पहले ये है कि नौकर को और मेरी बहू को दोनों को साथ में पदवी दे दी. और मेरी जो छोटी बहू चुलबुली है, लेकिन अपना काम बराबर करके आई. वो मैंने साथ में पदवी उस तरह से नहीं दी है, लेकिन अगर उसके साथ जो जनरल रूल्स है उसमें ये आता है कि हर बार शोभा ही कुछ ला कर देगी, वो जरूरी नहीं है. नहीं, हमारे घर में 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक शोभा को जाके बोलना पड़ता है, शोभा उठ शोभा उठ. तो हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है, शोभा को आराम नहीं. कल से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रही हूँ. तूने बोला कि बड़े लोगों को बहू को सौंप देना चाहिए. ये सिर्फ बातें कहने की होती हैं. मैं बहुत हंस रही थी जब भी आपने मुझे कहा कि मैं पर्स लेकर यहाँ से वहाँ घूमती हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे एक बात का ये भी एहसास हुआ जब मैं सरिता की जगह पर हूँ. मैं इतना ही चाहूँगी कि बेसिक अगर सरिता के हाथ में हो तो सरिता को छोटी छोटी बात के लिए भी आपके पास से ये ना करना पड़े. आप इसके बारे में सोचिए. मैं पर्स अभी इनको दे देती हूँ. घर संभालना एक बहुत बड़ी कंपनी संभालने वाली बात है, और मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को किसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सारे इतने खुश है कि हमारा घर कितना अच्छी चीज़ चल रहा है. कभी नहीं किसी ने शिकायत की मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा. जो जो सब कुछ ये मिल रहा है. मैं बोलती हूँ बहुओं को, तुम लोग को कुछ काम ही नहीं है. सवेरे उठे, भाजी को तड़का मारा, चलो अपने नहाए धोए, थोड़ी पूजा की, अपने बैठ गए, उधर सो गए, इधर सो गए, हो गया. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दोनों बहुओं में से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी दोनों बहुएं इस काबिल ही नहीं है. मेरी दादी ने कहा कि मम्मी हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हैंडल कर सकती है. आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने रूल बनाया उसका मुझे क्या करना चाहिए, उसका रास्ता क्या है? वो जैसे कर रही वैसे करने दीजिए. इनको घर चला रही हूँ. वो टिल हर लास्ट डे
मैंने जो रूल बनाए थे उसमें तो आज भी ये पर्स आप ही की है। ये पर्स आप ही की है।